विकल्प पर संभल की चंदोसी में एके हेल्पिंग सोसाइटी तथा यातायात पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित करके वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करके जागरूक किया। इस समय प्रदेश के समस्त जनपदों में यातायात महा आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदोसी में पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय के पास स्थित यातायात पुलिस के बूथ पर एके हेल्पिंग सोसाइटी तथा यातायात पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित करके बिना हेलमेट लगाकर वाहन चला रहे वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए। इस विषय में एके हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष एवं संस्थापक अमन खुराना ने बताया कि हम निःशुल्क हेलमेट वितरित करके लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस के प्रभारी अनुज मलिक ने बताया कि एके हेल्पिंग सोसाइटी, परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया है। आपको हेलमेट दिया गया है एके हेल्पिंग सोसाइटी की तरफ से, तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हेलमेट दिया है। आगे से हम लगा के चलेंगे दोनों लोग, जब भी जाएंगे। अच्छा है ये, सेफ्टी के लिए हमारी, तो हमें ये रूल सभी को फॉलो करने चाहिए और हम भी करेंगे और उसे भी कहेंगे। पुराना नाम सोसाइटी की तरफ से आप आज हेलमेट वितरण कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, भाई दूज के बाद से मैं रोज़ अखबार पढ़ रहा हूँ, उसमें देख रहा हूँ रोज़ तमाम केसेस आ रहे हैं एक्सीडेंट के, जिसमें महिला, पुरुष और महिला दोनों जा रहे थे, चाहे वो बहन भाई हो चाहे वो मिसेज वाइफ हो मिसेज हस्बैंड हो, तो ये दोनों जा रहे थे तो उसमें एक्सीडेंट के तमाम केसेस आ रहे हैं, जिसमें आगे जो हस्बैंड है या जो भाई हैं उन्होंने तो हेलमेट लगा रखा है, पर पीछे जो महिला बैठी है उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है। और अभी हमारे योगी जी के तहत ये एक योगी जी ने मुहिम पे चला रखी है मिशन शक्ति वाली, तो इसी के तहत आज हम यहाँ पर हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि लोगों को, जो लेडीज़ हैं, वो जागरूक हों हेलमेट लगाने के लिए और उनको एक संदेश जाए कि उनको भी हेलमेट लगा कर ही बाहर निकलना है। सोसाइटी की तरफ से आज हेलमेट वितरण किए गए, क्या है पूरा मामला? ये आज हमारा जो यातायात महा नवंबर चल रहा है और इसी के अंतर हमारा विशेष सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। आज दिनांक 22 को हमने संयुक्त रूप से परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और एके होंगी, इन्होंने मिलकर एक यातायात जागरूकता के अभियान के अंतर्गत आज हेलमेट वितरण किए गए हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और जो टू व्हीलर वाहन पर चल रहे हैं दो सवारी, दोनों सवारी हेलमेट लगाए। उसी के उपलक्ष्य में आज चंदौसी में ये हमने प्रोग्राम रखा है और ये डबल फाटक चंदौसी और रोडवेज और फुआरा चौक इत्यादि पर हम पंपलेट वितरण भी करा रहे हैं और लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं।